हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स खाना खजाना। आज मैं बना रही हूँ टेस्टी सी एक टमाटो सॉस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें मिर्च थोड़ा कम कर दें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। चटपटी सी टमाटो सॉस बनाने के लिए मैंने लिए है ये 2 किलो टमाटर, जिसे मैंने बहुत अच्छे से धोकर रफली काट लिया है। और उसके लिए मैंने ली है ये 10 से 12 हरी मिर्च, और ये थोड़ी सी अदरक 2 इंच के करीब, और ये 20 से 25 लहसुन की कलियां। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो आप लहसुन अवॉइड भी कर सकते हैं, पर अदरक और हरी मिर्च जरूर डालें। अब हम सारे टमाटरों को अपने एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे, और इसी में डाल दूंगी मैं अपनी अदरक और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और ये सारी हरी मिर्च। और मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक और 1 गिलास पानी। अब हम इसे 2 से 3 सीटी लगाएंगे। ये 3 से 4 सीटियां आ गई हैं। अब गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने का वेट। हमारा कुकर एकदम ठंडा हो चुका है, टमाटर भी बिल्कुल गल गए हैं। अब इसमें मैं पहले डालूंगी कुछ और मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। और थोड़ा सा मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला, क्योंकि हम ये चटपटी सॉस बना रहे हैं। और सबसे मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है मेरा 1 बड़ी चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर। इससे क्या होगा, आपकी सॉस बहुत ही अच्छी थिक और फ्लोइंग बनेगी। अक्सर सॉस बनाने पर ऐसा होता है कि जब हम प्लेट या कटोरी में रखते हैं तो सॉस अलग रह जाती है और पानी अलग, लेकिन ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम तो सॉस एकदम बाजार जैसी फ्लोइंग बनेगी। अब इसे मैं हैंड ब्लेंडर से बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे मिक्सी के जार में भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। आप देखेंगे कि ये एकदम अच्छे से ब्लेंड हो गया है, और अब हम इसे छानेंगे। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें भी आपको सॉस पकानी हो, और उसके ऊपर एक छलनी लगा लेंगे और उसे छानेंगे। सारी सॉस हमारी छन गई है, और ये सारे टमाटर के छिलके और अदरक वगैरह के सब ऊपर आ गए हैं। आप देखेंगे हमारी सॉस इस तरह से हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। हर 1 किलो टमाटर पर 200 ग्राम चीनी हम डालते हैं। ये मैंने 2 किलो टमाटर लिए थे, इसलिए मैं इसमें डालूंगी 400 ग्राम चीनी। एक कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, अब मैं डाल रही हूँ इसलिए 400 ग्राम चीनी। और चीनी गलने तक आप इसको चलाएं लगातार, फिर इसको मीडियम आंच में कर पकने दें। इसे गाढ़े होने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो वो भी थोड़ा पकेगा। इसे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। आप देखेंगे कि अब ये गाढ़ी होने लगी है। अब इसे मैं अभी 10 मिनट हमें और पकाना है। जब ये इस तरह की हो जाए तब इसमें मैं डाल दूंगी 1 करछुल सिरका। सिरका डालने के बाद अब 10 मिनट और पकाएं। सिरका डालना जरूरी है, इससे एक तो इसका टेस्ट अच्छा होता है, दूसरी बात ये प्रिजर्वेट होती है। अगर आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है तो आप इसे में ठंडा होने के बाद सोडियम बेंजोट भी मिलाएं। अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो सिर्फ सिरके से ये आपकी 2 से 3 महीने आराम से रह जाएगी। अब 10 मिनट हो गए हैं, आप देखेंगे ये एकदम गाढ़ी हो गई है, इसका कलर भी इतना बढ़िया आ गया है। अब गैस बंद कर दें और उसे ठंडा होने दें, तब इसे हम फिर बॉटल में भरेंगे। सॉस हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है, आप देखेंगे इतनी अच्छी फ्लोइंग है और इतना कलर अच्छा है, एकदम ठंडी हो चुकी है। अब इसे मैं एक साफ एकदम सूखी बॉटल में इसे भर दूंगी। ये मजेदार सी सॉस की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।